गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुवार में ये वसुंधरा को कि वो आए और महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका के ऊपर अपने विचार रखे। गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स खुवार। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ा मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ, माता पिता का अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। आदरणीय अतिथिगण महोदय, न्यायिक मंडल, अध्यापकगण तथा यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं वसुंधरा सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की छात्रा आज आप सभी के सामने महिला सशक्तिकरण में समाज की भूमिका पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे किसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल है जो ये सोचते हैं कि एक बेटी बेटे के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो फिर वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? क्या है उनके पास इस बात का कोई जवाब? कहने को तो इस नारी शक्ति की, लंबी जुबान की तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई क्यों नहीं एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है? फेसबुक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, फेसबुक, उसी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी तक पहनना छोड़ देता है। और हम कहते हैं हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह, अजीब रिवाज है हमारे देश का, नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट इस नारी शक्ति से निकलवाया जाता है। परंतु आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रही है। और यही नहीं, समाज और सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की गई है और समाज भी नारियों के महत्व को समझने लगा है। इसके अलावा भारतीय संविधान में राज्यसभा और लोकसभा में नारियों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई है। अरे सुना है, परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी है नारियां। साहस के साथ आसमान भेद कर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां। अरे आजकल तो वायु यान तक उड़ाने लगी है नारियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर शक्ति क्षेत्र आजमाने लगी है नारियां। अरे आजकल तो वीर जवानों की शहादत को कंधा देकर शमशान घाट तक जाने लगी है नारियां। यदि कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिलाएं नहीं होती तो इस देश का नाम रोशन कौन करता? क्या है आपके पास कोई जवाब? मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता और मैं ही द्रौपदी हूँ, पर पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नियति दिखलाई? अरे कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है। फिर न जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। अरे न जाने ये कौन सा साया है, न जाने ये कैसी आहट है। फिर उन अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा।
खींच लिया, फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को तार तार कर डाला, उन अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची, सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। और जब होश में आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई, परिवार की बदनामी होगी। सबने मुझे यही समझाया, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे, क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, अरे क्या छोटे कपड़े पहने थे, सवालों की इन भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, सब भूल जाओ कहने वालों, मत भूलो ये गलती आपकी भी हो सकती है, अगले दिन सड़क पर बड़ी बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस दुख से बढ़कर कोई और दुख नहीं हो सकता है, जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता है। आज मैं कहना चाहूंगी, जब नारी में है शक्तिशाली तो क्यों कहते हो उसे बेचारी, आओ आज हम सब मिलकर ये प्रण ले, अपनी मर्यादाओं को समझे, नारी का सम्मान करे, नारी का सम्मान करे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।